हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन क्लचेस, घर्षण क्लचेस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तो इन क्लचेस में क्या होता है, जो पावर का ट्रांसमिशन है वो चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट में घर्षण के द्वारा किया जाता है। और ये शाफ्ट का फ़ायदा क्या है कि ये दोनों ही दिशाओं में, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही दिशाओं में काम भी कर सकती हैं। घर्षण क्लचों में हमारी जो मेन क्लचेज हैं वे आती हैं प्लेट क्लचेस, कोन क्लचेस एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। कोन को हम शंकु ही बोलते हैं, शंकु क्लच। सेंट्रीफ्यूगल को हम अपकेंद्रीय क्लचेस भी बोलते हैं। और ये जो शक्ति का पारेषण है, जो पावर ट्रांसमिशन है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे भी बिना किसी झटके के, बिना किसी वाइब्रेशन के आसानी से कर सकती हैं। अब पहला हम पढ़ते हैं प्लेट क्लचेस। प्लेट क्लचेस में क्या होता है, एक प्रेशर प्लेट होती है जो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा फ्लाईव्हील से अटैच की जाती है, और इस प्लेट के ऊपर फ्रिक्शन लाइन बनी होती है। फ्रिक्शन लाइन जब फ्लाईव्हील के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो क्या होगा, फ्लाईव्हील से प्लेट में पावर आ जाएगी, और प्लेट से ही हमारी कनेक्टेड है आउटपुट शाफ्ट, तो आउटपुट शाफ्ट में भी पावर आ जाती है। देखिए, इसका डायग्राम में हम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्किंग करती है। सिंगल प्लेट क्लच, यहाँ पे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे हमारा ये क्लच प्लेट है, इसके ऊपर बनी होती है फ्रिक्शन लाइनिंग, घर्षण रेखाएँ, और ये जो क्लच प्लेट जो है ये आउटपुट शाफ्ट पे कनेक्ट होती है स्प्लाइंस बनाकर। स्प्लाइंस का फ़ायदा क्या है कि ये क्लच प्लेट आउटपुट शाफ्ट पे आगे पीछे मूव कर सकती है। अब जब हमें पावर का ट्रांसमिशन करना हो, अगर हमें पावर का ट्रांसमिशन करना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रेशर प्लेट है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट होगा हमारा लीवर। जब हम लीवर पे पैडल से फोर्स लगाएंगे तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। जब ये स्लीव पीछे की तरफ मूव करेगा तो जो हमारी प्रेशर प्लेट है ये पीछे की तरफ आ जाएगी, और यहाँ से कॉन्टैक्ट हट जाएगा, पावर का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। उसी के साथ साथ क्या होता है कि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाती है, पावर इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे ही हम लीवर से फोर्स हटाएंगे तो स्प्रिंग बल के द्वारा क्या होगा, जैसे हम पैडल से हम यहाँ से फोर्स हटा लेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है ये खुलना शुरू हो जाएगा। खुलेगा तो क्या करेगा, ये फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, तो इस प्रेशर प्लेट को ये फ्लाई व्हील से सटा देगा, जो स्प्रिंग फोर्स है वो फ्लाई व्हील से सटा देगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाएगा प्रेशर प्लेट के और क्लच प्लेट के बीच में, और क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में, तो दो एक पेयर बन जाता है घर्षण सतहों का, एक पेयर बन जाता है ये और ये, इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइन है, तो एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। तो जैसे ये कॉन्टैक्ट होगा फ्लाई व्हील से तो शक्ति का परेशन प्लेट क्लच प्लेट में होगा, प्रेशर प्लेट में होगा, प्रेशर प्लेट से फिर आउटपुट शाफ्ट में शक्ति का परेशन हो जाता है। इस तरह से सिंगल प्लेट क्लच काम करता है। अब हम आगे देखते हैं मल्टी प्लेट क्लच। देखिए, वर्किंग इसकी भी सिंगल प्लेट क्लच की तरह ही होती है, इसकी जो वर्किंग है वो भी सिंगल प्लेट क्लच की तरह होती है। बस इसमें क्या होता है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा शक्ति, देखिए जो सिंगल प्लेट क्लच है वो केवल लाइट लोड के लिए यूज़ होती है, हल्के वाहनों के लिए, लेकिन अगर हैवी लोड हमें करना है तो क्या होगा, जो सिंगल प्लेट है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि जो उसका फ्रिक्शन है वो कम पड़ जाएगा और दोनों शाफ्ट के बीच में क्या हो जाएगा, स्लिप आ जाएगा, तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि आउटपुट और इनपुट शाफ्ट के बीच हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटों की संख्या बढ़ा देंगे। प्लेटों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा, फ्रिक्शन सरफेसेस की संख्या बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन सरफेसेस की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा शक्ति का पारेषण होगा, और ज़्यादा शक्ति का पारेषण होने से इस क्लच प्लेट का यूज़ हम हैवी लोड के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीप्लेट की क्लच का। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने
प्लेटों की संख्या बढ़ा दी है, क्लच प्लेटों की संख्या बढ़ा दी है, उसी के साथ साथ फ्रिक्शन लाइन की संख्या बढ़ जाएगी। तो फ्रिक्शन पेयर हैं जो, फ्रिक्शन सर्फिसज के पेयर बढ़ जाएंगे, उससे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, और ज़्यादा फ्रिक्शन होने से ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होता है इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में। वर्किंग सेम होती है उसकी, लीवर सेम वैसे ही काम करता है जैसे सिंगल प्लेट क्लचेज में काम किया था। अब आगे बढ़ते हैं कोन क्लच, हिंदी में बोलते हैं इसको शंकु क्लच, कोन क्लच या शंकु क्लच। तो कोन क्लच में क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस होती हैं वो होती है शंकु के आकार की। इसमें जो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस होंगी वो शंकु के आकार की होंगी, शंकु आकार होंगी। तो और इनके बीच में जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं, कोन क्लचेज में क्या होता है, जो सर्फेसिस होती हैं वो शंकुआकार होती हैं ऐसी, और इन दोनों सर्फेसिस के बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फ्रिक्शन लाइन्स होती हैं, फ्रिक्शन मटेरियल होता है दोनों सर्फेस पे, ये फ्लाई व्हील में भी और ये क्लच में भी। तो हम जैसे ये फ्लाई व्हील मूव करता रहता है कॉन्स्टेंट स्पीड से, अब हमें अगर इसको अटैच कराना है तो हम क्या करेंगे, लीवर से हम पैड हटा लेंगे, पैर हटा लेंगे तो स्प्रिंग इधर की तरफ काम करेगा और इस शंकुआकार क्लच को इस फ्लाई व्हील के अंदर फिट कर देगा स्प्रिंग फोर्स। और अगर हमें जैसे ही फिट हो जाएगा तो शक्ति का पारेषण इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में हो जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट कहाँ पे बनेगा, इनपुट के आउटपुट के बीच में कॉन्टैक्ट कहाँ पे बनेगा, ये है इनपुट शाफ्ट, ये है इनपुट शाफ्ट, इस पर कनेक्ट है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील का कॉन्टैक्ट आउटपुट शाफ्ट से यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, जिससे क्या होगा शक्ति का पारेषण फ्लाई व्हील से इस क्लचेज में आ जाएगा शंकुवार क्लच में। और अगर ये क्लच मूव करने लगेगा तो ये शाफ्ट भी मूव करने लगेगा। अगर हमें डिसएंगेज करना हो तो हम क्या करेंगे, जो ये लीवर दिया हुआ है, लीवर, लीवर के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, लीवर के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ मूव करेगा, तो स्लीव ये पीछे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट ये वाला जो शंकुवाकार हिस्सा है ये बाहर आ जाएगा और कॉन्टैक्ट हट जाएगा। कॉन्टैक्ट हटने से पावर का ट्रांसमिशन भी रुक जाएगा, शक्ति का पारेषण भी रुक जाएगा। तो इस तरह से एक क्लच काम करती है, एंगेज और डिसएंगेज होती है। देखिए ये क्लचेज अब यूज़ नहीं होती है, क्यों यूज़ नहीं होती है, देखिए एक तो कोन एंगल बहुत कम होता है इनका, उससे क्या होता है कि अगर इसमें क्या होगा, डस्ट या धूल, डस्ट या धूल यहाँ पे अगर भर जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में फिक्स हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिनको डिसएंगेज करना लीवर की मदद से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर इसको डिसएंगेज करना होता है, तो इसलिए आजकल इनका उपयोग होना हो गया है बंद। लास्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है, जो शक्ति का पारेषण होता है इनपुट से आउटपुट शाफ्ट में, यानी कि चालक से चली शाफ्ट में, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो इनपुट शाफ्ट होती है, यानी कि जो चालक शाफ्ट होती है, उसमें ब्लॉक होते हैं, स्लाइडिंग ब्लॉक्स, जो स्प्रिंग्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता, जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो स्प्रिंग एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, और स्प्रिंग से जुड़े हुए हमारे ये स्लाइडिंग ब्लॉक्स तो वे भी आउटसाइड में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जो दूसरे फ्लाई व्हील की रिम है उसकी इंटरनल सरफेस से कनेक्ट करके आउटपुट शाफ्ट में शक्ति का पारेषण करते हैं। डायग्राम में हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारी इनपुट शाफ्ट, ये है आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट पे कनेक्ट है ये रिम, बड़ा सा रिम वाला हिस्सा है ये, यहाँ से इस तरह से ये रिम है, और ये है हमारी इनपुट शाफ्ट, ये इनपुट शाफ्ट पे कनेक्ट है ये हिस्सा, ये अंदर वाला जिस पे कनेक्ट है हमारे ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक। अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर ब्लॉक्स हैं, एक दो तीन चार, जो कनेक्ट हैं स्प्रिंग के द्वारा। तो जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है तो ये ब्लॉक क्या करते हैं, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे हम किसी रस्सी से किसी ईंट को बांध के घुमाएँ, तो अगर हल्का हल्का घुमाएँगे तो हल्के सर्किल में घूमेगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो वो बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही स्प्रिंग की लेंथ बाहर की तरफ बढ़ने लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जिससे क्या होगा, जो ये ब्लॉक हैं ये रिम की इंटरनल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे,
और जो ये रिम है ये आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो ये वाला रिम है ये यही है, ये आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तो शक्ति का ऑपरेशन इन ब्लॉक से कायम होगा, रिम में हो जाएगा फ्रिक्शन के द्वारा, और जैसे ही रिमूव करना शुरू करेगा तो आउटपुट शाफ्ट में शक्ति का ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्लच काम करता है, और जैसे जैसे इंजन की स्पीड कम होना शुरू होगी तो ये अपने आप डिसंगेज होना शुरू हो जाएगा और शक्ति का ऑपरेशन आउटपुट शाफ्ट में होने से रुक जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल काम करता है। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इनको आप ठीक से पढ़ लेना क्योंकि फ्रिक्शन क्लचेस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।